अरे इतना बड़ा तो लेक्चर दिया भैया। मैंने कहा ना आ गया सब। एक मिनट, वन बाई वन, पीछे पीछे ऐश्वर्या, फिर तिवारी जी, फिर अमिंदर। नहीं वो ठीक है, मगर मैं मानता हूँ बंगाल में हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है। बंगाल के अंदर हमारी वोटों की जो बढ़ोतरी हुई है और एक नींव डाली है वो बहुत अच्छा है। बेस बहुत कम था, हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अमिताभ सिन्हा, फिर तिवारी जी। हाँ पार्टी के सबक सार्वजनिक करने के लिए नहीं होते हैं। तिवारी जी देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए एनडीए सरकार के विकास के एजेंडे को रोकने का ट्राई किया है, मोदी जी के प्रयास को रोकने का ट्राई किया है और उसी का परिणाम है। राज्य कोई भी हो, कोई भी जीता हो, कोई भी हारा हो, कांग्रेस सब जगह हारी है। वेंकट जी, वेंकट वेंकट, फिर रविंदर जी, फिर विकास जी। आमतौर पर कांग्रेस के अलावे सभी पार्टी जो जनादेश आती है इसका सम्मान करती है। मैंने भी जयललिता जी को बधाई दिया है। रविंदर जी, जिस प्रकार से वहां पर हिंसा का वातावरण उन्होंने बना है, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी हुई है और मैं वो भावनाओं का सम्मान करता हूँ। रविंदर जी, फिर विकास जी। क्या असम में? नहीं नहीं, जीत में हर साथी का महत्व है, हर साथी का योगदान है, तभी जाकर इतनी बड़ी जीत आती है। मगर भारतीय जनता पार्टी को अपने बूते पर भी पूर्ण बहुमत मिला है। रविंदर जी, हम 2019 में हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और हम हमारे परफॉर्मेंस को ठीक रखने का सजग प्रयास कर रहे हैं, 2019 तक उसको चालू रखेंगे। विकास, विकास भदौरिया। अरे भाई, सामने जो होंगे वो होंगे, हम हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। विकास भदौरिया, फिर अखिलेश शर्मा। मुझे मालूम नहीं भदौरिया जी, आप इस नतीजों को किस चश्मे से देख रहे हैं। राजनीतिक बढ़ोतरी का जो ग्राफ होता है कभी यूं नहीं होता है, यूं होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने ग्राफ की दिशा पकड़ ली है। इसीलिए मैंने कहा कि स्टॉन्च फाउंडेशन है 2019 के लिए और इस पर एक बहुत अच्छी विजय की इमारत हम बना पाए। अखिलेश जी, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। जयंत घोषाल जी, फिर मारिया। बैठ जाओ भैया। नहीं, मैंने भी संदेश दिया है अभी।
आप रिसीव नहीं कर पाए, चलिए हो गया। देश के विकास के लिए जो लोग साथ में आना चाहते हैं वो सभी का स्वागत है। मारिया मारिया फिर पीछे साथ। ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में हम रीजनल पार्टी के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, हरियाणा में रीजनल पार्टीज के खिलाफ चुनाव जीत कर आए, झारखंड में रीजनल पार्टीज के खिलाफ चुनाव जीत कर आए। पीछे केरल से। हाँ सर, जो केरल में बीडीजेएस के साथ आपका अलायंस था, वहाँ एक भी सीट में भी बीडीजेएस नहीं जीत पाई और कोई सीट में सेकंड भी नहीं आया। अभी आप अलायंस जारी करेगा, कोई हेल्प मिला है बीडीजेएस? नहीं, जारी ही है अलायंस हमारा। विजय जी आपके सामने जो बैठे। हाँ ये आपकी मान्यता है, मैं नहीं मानता कमी आई है। आर्थिक मोर्चे पर हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने अच्छा परफॉर्म किया। विजय जी, फिर मजुमदार जी, फिर अशोक सिंघल जी। नहीं, हम एनडीए के साथ लड़ना चाहते। अशोक जी, आपने कहा जहां जहां अमित जी, हाँ पूछिए ना, बोलिए। आपने कहा जहां जहां कमियां है वहां पे दुरुस्त करेंगे, सबक लेंगे अच्छी चीजों का भी और बुरी चीजों का भी। मैंने नहीं कहा, उन्होंने पूछा मुझे, मैंने ऐसा नहीं कहा भैया। गुजरात में सवाल उठ रहा है कि वहां पहले मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर से सवाल पूछो। मेरे मुंह में क्यों यार शब्द डाल रहे हो तुम? गुजरात में सवाल उठ रहा है कि आनंदी बहन को बदला जाएगा। बहुत धन्यवाद। एक हाँ मजुमदार जी, आप अशोक जी प्लीज, यार परिणामों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एनडीए अलायंस को लेकर सरकार बनाएगी। हाँ बहुत धन्यवाद आज की प्रेस इस प्रतिमेत ने। हाँ नहीं नहीं वो सुब्रमण्यम स्वामी जी का अभिप्राय उन्होंने लिखा है। तो आप सुन रहे थे अमित शाह को, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे बीजेपी मुख्यालय से। पांच राज्यों की जनता को धन्यवाद दिया आए मैंडेट के लिए और साथ ही ये भी बताया कि आज आए नतीजे साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों की नींव रख रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का जिक्र भी उन्होंने किया।